ऐसी ही एक लक्ष्मी साधना, लक्ष्मी का भी लक्ष्मी यक्षिणी भी है, जिसको अगर हम वट वृक्ष पर बैठकर अगर उस लक्ष्मी साधना को उस मंत्र के साथ करते हैं, एक ही 11 दिन पर उस विशेष मंत्र को करते हैं, तो मैंने वो साधना वट वृक्ष पर बैठकर की थी और मैंने देखा था कि मेरे सामने एक हरा सांप सामने आकर गया, दर्शन दिया और उसके बाद मैंने मेरे आश्रम की स्थापना की। मैं आप किसी को पूछ सकते मैंने साधना की। वैसे ही आज मैं आपको कह रहा हूँ, यह जो धंधा यक्षिणी साधना है, महाकाली की साधना है, अपने तुलसी माता की साधना है, इन साधनाओं में इन वृक्षों के नीचे क्यों किया जाता है? हर देवता का एक वृक्ष है, बिल वृक्ष भी है, निर्गुंडी भी है, बिल वृक्ष की साधना भी है। शिव जी बिल वृक्ष पर के नीचे बैठते हैं, उनको बिलो चाहिए, विष्णु को तुलसी चाहिए, गणेश जी को दुर्वा चाहिए, दुर्वा की भी यक्षिणी है। तो इसके मंत्र सभी को आज लुप्त है, ये यक्षिणी साधनाओं के बारे में बहुत लोगों को नहीं जानते। तुम्हारे जो आसपास में जो वृक्ष है, हर वृक्ष में एक 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 दिव्य शक्ति निर्धारित है और उस यक्षिणी के रूप में उसको हम अगर पहचान लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उसकी साधना संपन्न करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे में वो शक्ति प्राप्त होकर हम कभी बेकार आदमी बैठा नहीं रह सकता और दुखी जीवन नहीं जी सकते। इतना ही है कि हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे वृक्ष काटे जाते हैं, हमारे लोगों में भी कहा जाता है पीपल का वृक्ष काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा होता है, अपने घर पर उग के आते हैं या कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ काटना जरूरी होता है, तो उसके उसका विधान क्या है? जब भी वृक्ष काटो उस वृक्ष को फिर लगाओ, चाहे वो जंगल में हो या घर में हो, कहीं भी हो, वृक्ष को काटने से पहले इसका ध्यान रहना जरूरी है। आज मैं धनदायक्षिणी की जो साधना कर रहा हूँ, कह रहा हूँ उसको, अगर आप पान के पत्ते पर धनदायक्षिणी का यंत्र रखकर पहले कुबेर महाराज को नमस्कार कर उनका उनके एक माला मंत्र कर, धनदायक्षिणी का मंत्र है जिसको केवल 5 माला या 11 माला या 100 माला संपन्न करते हैं, आप निश्चित रूप से रोज, केवल अगर व्यापार है आपका या घर है तो एक ही बात करना, एक पान का पत्ता हरा ले लेना, उसके ऊपर चंदन का तिलक करना, कुमकुम लगाना और उसके ऊपर धनदायक्षिणी का यंत्र रखते हुए केवल 5-11 बार जितना भी उसके आप यंत्र बोल देना, आप निश्चित रूप से आपके दिल पे हाथ रखकर मेरे 40 दिन में फोन करके बोलो कि आपका व्यापार चल रहा है नहीं चल रहा है, आपका धंधा हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको बेकार है कि पैसा आया है नहीं। आप कहकर करने के बाद बोलो, लेकिन साधना करने से पहले नहीं, मैं साधना के प्रति जागरूक हूँ, साधना करता हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं नित्य साधना बिना साधना के बाहर नहीं आता, वर महीने में 5 दिन से साधना ऐसी साधना करता हूँ जो उग्र रूप से हो। आज आपको भी मैं कह रहा हूँ, जिसने धनदायक्षिणी की साधना संपन्न की, केवल उसमें करना यह है कि हरा पान का पत्र लेना है, उसके ऊपर चंदन अक्षत कुमकुम लगाना है, धनदायक्षिणी का यंत्र लगाना है और मैं जो मंत्र धनदायक्षिणी का मंत्र बोल रहा हूँ उसको मंत्र करना है, उससे पहले कुबेर मंत्र। मैं ये भी गुरु जी के हाथ से, अगर आप 1986 की गुरु जी की जनवरी या फरवरी की पुस्तक अगर आप पढ़ते हैं तो गुरु जी ने उसमें कहा था, जो कुबेर मंत्र का 5 माला पीले हकीक माला के साथ कुबेर यंत्र के सामने करता है उसके घर में धन का अभाव नहीं होता। लेकिन हम करते ही नहीं, हम कहानी सुनाते हैं, गुरु जी आज स्नान नहीं किया था, आज काम था चले गया, आज नहीं किया। आप करके तो देखो, 5 माला केवल कुबेर मंत्र की नित्य करके देखो, आपके घर में धन का अभाव हो तो बोलना, पीली हकीक माला से करना, आपको कभी धन का अभाव नहीं होगा, ये मेरा अनुभव है। आप भी आपका परिवार चलाते हुए 10 लोगों को खिलाने की शक्ति रखते हैं, आप आज के दिन में महालक्ष्मी महाशक्ति महाकाली के रूप में एक मनुष्य सिद्ध हो तो 4 लोगों का को सहायता कर सकता है। अगर इसके पास शक्ति ही नहीं है, जिसके पास ज्ञान ही नहीं है, जिसके पास पैसा ही नहीं है, खुद जीने के लिए परेशान है, तो दूसरों को क्या सहायता कर सकते। मैं शुष्क बातें नहीं करता, सुखी बातें नहीं करता, अब केवल ऐसा हो जाएगा, मैं कहता हूँ तुम साधना करो तुम्हें फल नहीं मिला तो कहना, लेकिन साधना जो गुरु जी के मार्ग पर चलता है वो करके देखो, आप करो तो सही। आज आपको इस क्षेत्र में मैंने जो धनदायक्षिणी की साधना की थी, इस साधना के साथ साथ एक बार आपको उदाहरण देता हूँ कि धनदायक्षिणी को पान के पत्ते पर रखा जाता है। और वैसे ही एक बार क्या हुआ था कि रावण आकाश में उड़ते जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि रंभा जो अप्सरा है वो जो आकाश मार्ग से जा रही थी, जब उन्होंने रंभा को देखा तो उनका मन विचलित हो गया और रावण उनके पीछे भाग खड़ा हो, तो रंभा को पकड़ने गया तो रंभा ने कहा, रावण शर्त करो, मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ और तुम मुझे ऐसा छेड़ते हो तो तुम्हें पाप लग जाएगा, तुम परस्त्री पर देखते हो। तो उसने कहा, तुम अप्सरा हो, तुम देवताओं की वेश्या हो, वेश्याओं को कोई धर्म नहीं होता, कोई स्त्री नहीं होती, मैं तुम्हें जरूर छेड़ता हूँ। और उन्होंने रंभा को बहुत सताया
और रामा को हाथ में पकड़कर खींच ले लगे और पूरा गया तो वह कुबेर के भाई नल कुबेर कुबेर की बेटे नल कुबेर की पत्नी थी रंभा वो गई और वहां जाकर उसने रोते हुए कहा कि रावण ने मुझे इस प्रकार छेड़ा है। तो नल कुबेर तपस्वी थे, उन्होंने देखा और अपने ज्ञान से प्राप्त किया कि सचमुच रंभा के प्रति अन्याय हुआ। तो उन्होंने शाप दे दिया कि हे रावण, बिना स्त्री की इच्छा के अगर तू उसको छीता है तो तेरे सर के हजार टुकड़े हो जाएंगे। ये शाप जब रावण ने सुना तो रावण हतप्रभ रह गया। आप देखते हैं कि सीता को उठा के ला सका लेकिन सीता को छूने स्पर्श नहीं कर सका उसकी मर्जी के विरुद्ध। यही कारण था कि रावण ने सीता को छुआ नहीं, क्योंकि उसको अगर सीता के मर्जी के विरुद्ध छीता तो उसके सर के 100,000 टुकड़े हो जाते थे। ये नल कुबेर का शाप था। अब जब ब्रह्मा ने कहा कि मैं ऐसी जिंदगी कैसे जी सकती, बोलो कि मेरा ऐसा जीवन कैसा होगा। वो गई नल कुबेर के पास तो उन्होंने कहा मेरे पिता मेरे भाई बड़े भाई कुबेर के पास जाकर तुम क्या चाहती हो जाकर कहो। कि मैं बोली ऐसा राम से छेड़ी गई तो मेरी पूजा कौन करेगा, कैसा होगी कैसी होगी मेरी पूजा। तब कुबेर ने कहा ये तेरी गलती नहीं है, ये गलती है रावण की और तू ही तेरी बिना इच्छा के उसने किसने तेरे शक्ति का प्रयोग किया है। तो मैं तुझे कहता हूँ कि वो शक्ति प्रदान करता हूँ और मैं तुझे आज से पूजा के योग्य बताऊ। जो लोग तेरी पूजा करेंगे, जो तेरे पास धंधा यक्षिणी धन प्रदान करते हैं, तो आज से तू खाना प्रदान अन्नपूर्णा से अन्न प्रदान करेगी और तेरे पास जो अन्न खाएगा तेरे इसमें उसको अन्न की कमी नहीं होगी। आज आपको अगर पता है नहीं तो नहीं पता है तो केले के उसको केले को रंभा फल कहा गया है और केले के पत्ते के ऊपर हम खाना खाते हैं और उसने इस पर और रंभा फल और रंभा नाम की उस अप्सरा को केले में वास करते हुए कहा था कि हम हर अच्छे गाँव में दो पारों के ऊपर केला रखकर सुबह ही रखकर देते हैं फिर वो कहा गया है। ये दोनों भी यही कारण है कि वृक्षासन दक्षिण के साथ इस काम को करवाया जाता है और रंभा उस तरह पूजनीय और रंभा फल कहने के कारण केले की पूजा होती है। केला खाने वाला आप कहते हैं किसी भी डॉक्टर या आयुर्वेद के इसको पूछो अगर आप सुबह उठकर केला खाते हैं तो आपके शरीर बहुत स्वस्थ रहता है ऐसा कहा गया। और केले के पत्ते पर खाना खाने वाला अन्नपूर्णा से प्रफुल्लित होता है। आज भी आप किसी मंदिर में कहीं भी जाओ आपको केले के पत्ते पर खाना खिलाएंगे लेकिन नीचे के पत्ते पर नहीं। क्यों, इसके पीछे क्या है? ये वृक्षासन दक्षिणी रंभा को ये पद उन्होंने कुबेर ने प्रदान किया था। इस प्रकार यहाँ जो जंगल से घना पूरा मंडला है हम या आप सब लोग अगर इन वृक्षों के नीचे अगर हम साधना ऐसी कोई साधना संपन्न करते हैं तो हम कभी दरिद्रता देख नहीं सकते, हम धनवान बनेंगे। हम हजार लोगों को खाना खिलाने की शक्ति, हजार परिवारों को चलाने की शक्ति हमारे पास रखेंगे और ऐसे संपन्नवान बने। इसलिए मैंने धनदा एक्चुअली की साधना यहाँ संपन्न करवाने की बात की है। आज आपको भी करवाने उस नल कुबेर ने उस रंभा को जैसा वरदान दिया था, कुबेर जी ने जैसा वरदान दिया था धनदा एक्चुअली को, आपको कहता हूँ कि आप अगर ये साधना संपन्न करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी प्रकार का पैसा कम पड़ना या किसी प्रकार की धन का अभाव होना नहीं हो सकता। और आप इस साधना को संपन्न कर कभी याद रखना कि कोई अनिल कुमार जोशी नाम का एक आदमी मंडला में आया था और उसने ये साधना संपन्न करवाई थी। हम ये साधना संपन्न करवा के आज गर्व के साथ कहते हैं हमारे पास धन था। तो मैं चुकी मेरे भाई में शुक्र रहता हूँ, कम से कम आपका गुरु भाई बनकर गर्व अनुभव करूंगा। मैं आपको 15 मिनट का समय देता हूं, आप धंधा क्षण का यंत्र लेकर आ जाइए। मैं ये भी बात समझ आज अभी बता रहा था कि गुरु पैसा लेने वाला नहीं हो सकता। मैं यंत्र के पैसे लेके ले रहा हूं आपके पास, यंत्र तो बनाना पड़ता है, मुझे तो पैसे देना पड़ता है, केवल यंत्र के पैसे ले रहा हूं। मैं कोई शक्तिपात की या गुरु चादर की या गुरु दक्षिणा की पैसा नहीं ले रहा हूं, केवल उस यंत्र की जो यंत्र लेकर आकर बैठो मैं आपको धंधा क्षण की साधना यहाँ मैं यही करवाऊंगा। मैं चंद्रमोहन सिंह जी से कहता हूँ अगर हो सके तो सब आहुति एक भी डलवाऊंगा, मैं उनको यहीं सिद्ध करवा के भेज दूंगा। वो जीवन में याद करें कि चंद्रमोहन सिंह जी ने एक ऐसी साधना मंडला में करवाई थी जो हम धनवान हुए। आपको उस साधना को संपन्न करवाऊंगा, आप केंद्र आदि लेकर यहाँ आ जाए, मैं साधना आपको संपन्न करवाऊंगा।